सरकार, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, एसीएस मुख्यमंत्री कार्यालय, एसीएस होम, डीजीपी साहब और यहाँ उपस्थित तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारीगण, इस वीसी के माध्यम से जुड़े हुए प्रबुद्ध नागरिकगण, सामुदायिक पुलिसिंग के विभिन्न अंगों से संबंधित सदस्यगण एवं वीसी के माध्यम से ही जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगणों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं सर। इस शुभारंभ के अवसर पे मैं निवेदन करूंगा डीजीपी महोदय से, श्री उत्कल रंजन साहू साहब से, कि वो अपना स्वागत उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, उपस्थित सभी अधिकारीगण, वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी पुलिस अधिकारीगण, सामुदायिक सीएलजी सदस्यगण, ग्राम रक्षी, सुरक्षा सखी, बाकी गण्यमान्य नागरिकगण, भारत के संसद द्वारा बनाए गए तीनों नए क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आज पूरे देश से लागू हो रहा है। ये तीनों कानून तीन पुराने कानूनों के एवज में बनाए गए हैं, जो बहुत पुराना 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता, 1973 में संशोधित हुई दंड प्रक्रिया संहिता एवं 1872 में बनी एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। नवीन अपराधी कानून में जीरो एफआईआर, ई एफआईआर, प्राथमिक जांच, फॉरेंसिक अनुसंधान, ट्रायल इन एब्सेंसिया और विचारण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उपयोग जैसे नए प्रावधान को सम्मिलित किए गए हैं, जो सुगम अनुसंधान एवं सुलभ न्याय को दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान पुलिस द्वारा इन कानून को लागू करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में पिछले कई महीनों से राज्य स्तर पर, पुलिस मुख्यालय के स्तर पर, जिला स्तर पर एवं विभिन्न रेंज स्तर पर, बृहद स्तर पर प्रशिक्षण देकर हमारे अधिकारी और कर्मचारियों को इस हेतु तैयार किया गया है। मुझे जानकारी साझा करते हुए खुशी है कि करीब 51,000 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी इस नए कानून के माध्यम लागू करने के लिए प्रशिक्षित हो चुके हैं। आज इस वीसी के माध्यम से पुलिस मुख्यालय से लेकर पुलिस रेंज, पुलिस जिला, चौकी एवं विभिन्न कार्यालय में हमारे पुलिस जवान एवं पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, सीएलसी सदस्य, माननीय अन्य गणमान्य व्यक्ति जुड़े हुए हैं। उन सभी स्थानों पर इस वीसी के बाद अलग से नवीन अपराधी कानून के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी और हमारे लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने और बेहतर पुलिसिंग के लिए राजस्थान पुलिस को आवश्यक संसाधन, उन्नत प्रशिक्षण एवं बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने में राज्य सरकार से हमें निरंतर वांछित सहयोग मिल रहा है। मैं इस अवसर पर राजस्थान पुलिस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहूँगा कि प्रदेश का पुलिस बल आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में अपनी गौरवशाली परंपराओं पर निर्भर करते हुए नवीन आपराधिक कानून के परिप्रेक्ष्य में आधुनिकतम तकनीक और विधि विज्ञान का सदुपयोग करते हुए आमजन को शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं पुनः राजस्थान पुलिस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं राज्य सरकार की ओर से हमें मिल रही सतत प्रोत्साहन एवं हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी लागू करने के सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय गृह से कि वो अपना संबोधन दें। परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री शिखर जी, डीजीपी साहब श्री आलोक गुप्ता जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी, उपस्थित सभी सीनियर अधिकारीगण और वीसी के माध्यम से जुड़े हुए, जिलों से जुड़े हुए सभी पुलिस के अधिकारी, अन्य अधिकारी तथा उपस्थित समस्त महानुभाव, आपराधिक न्याय प्रशासन के संबंध में तीनों विधियों यथा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आज दिनांक 1 जुलाई से प्रभावी हो रही हैं।
इन विधियों के प्रभावी रूप से लागू किए जाने के संबंध में राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय संचालन समिति, जो कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में थी, इसकी समय समय पर बैठकें हुई हैं। जिलों के अंदर भी इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया, इन समितियों की भी बैठकों का आयोजन समय समय पर किया गया। इस वजह से इन विधियों को प्रभावी रूप से लागू किए जाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाई को दूर किए जाने के संबंध में प्रयास किए गए। इन विधियों को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के संबंध में पुलिस विभाग, अभियोजन, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला व जेल विभाग के सभी अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों को नवीन विधियों की पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई गई हैं। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधान है कि ऐसे अपराध जो 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष से दंडनीय अपराधों के लिए आवश्यक है कि अनुसंधान अधिकारी के साथ मौके पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीमें जाएं, जिससे कि साक्ष्य को सही ढंग से इकट्ठा किया जा सके। इस हेतु प्रथम चरण में राज्य के 10 जिलों के 10 सर्किल अधिसूचित किए जा रहे हैं, जहां ऐसी व्यवस्था प्रभावी होगी। इसके लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को 37 मोबाइल यूनिट भी प्रदान की गई है एवं भविष्य में भी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने एवं सशक्त किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उक्त विधियों की जानकारी आमजन एवं संबंधित को पहुंचाए जाने हेतु राज्य के ग्राम पंचायतों में 27 जून को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग, स्कूल शिक्षा अभियोजन निदेशालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर कार्यालयों में संगोष्ठियां भी आयोजित की गई एवं अभियोजन विभाग कार्यालयों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पुलिस विभाग द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से संबंधित 10,000 पुस्तकें भी वितरित की गई हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपराधिक न्याय प्रशासन के सभी स्तंभ आपसी समन्वय व सहयोग से इन विधियों के लागू किए जाने व आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होंगे। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद एसीएस महोदय। मुख्य सचिव महोदय से आग्रह है कि वो अपना संबोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम जी, आदरणीय डीजीपी साहब श्री उत्कल रंजन साहू जी, आदरणीय हमारे साथी अधिकारी शिखर जी, आनंद जी, आलोक जी, रश्मि जी, डीजीपी साहिबान श्री राजेश जी, हेमंत जी, संजय जी, गृह विभाग से रवि शर्मा जी, अनुप्रेरणा जी, सिद्धार्थ जी, अपर्णा जी, इसमें प्रशिक्षण की एडिशनल डीजी मालिनी जी, श्री बी एल मीणा जी, प्रफुल्ल जी, गौरव जी, सभी जिलों से और रेंज मुख्यालयों से जुड़े हमारे समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, सभी पुलिस स्टेशन से जुड़े हुए हमारे थानाधिकारीगण एवं पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ और सीएलजी के सदस्यगण, हमारे कारागर विभाग से जुड़े हुए महानिरीक्षक कारागर, जेल अधिकारी व अन्य आमंत्रित गण, प्रोसिक्यूशन से जुड़े हुए डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन विंग के समस्त अधिकारीगण और हजारों की संख्या में आज इस कार्यक्रम को देख रहे ऑनलाइन समस्त सम्मानित नागरिकगण, आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 150 साल से भी लंबे समय से कुछ जो कानून चल रहे थे उनका परिवर्तन गत वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, वो आज से प्रभावी हो रहे हैं, उनको लागू किया जा रहा है, जैसा हमारे साथी अधिकारियों ने बताया। भारतीय न्याय संहिता 2023, साक्ष्य अधिनियम 2023 और नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आज से प्रभावी हो रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि जो पहले दंड पे केंद्रित कानून थे और अंग्रेजों के जमाने के थे, एक 1860 का, 1873 का,
और तब की परिस्थितियां भिन्न थी और तब से किसी कारण से चले आ रहे थे। अब दंड के बजाय एक न्यायप्रिय कानून सरकार ने प्रभावी किए हैं और बहुत से इनमें ऐसे प्रावधान हैं जो आमजनों के लिए भी हित में हैं और महिलाओं बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो आप सभी पुलिस अधिकारी इनसे अवश्य परिचित होंगे। टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग इन कानूनों में किया गया है। ई एफआईआर, ई चालान जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, ई समन, जिससे कि आसानी बहुत होगी। इसी तरह घटनास्थल की जब्ती तलाशी की वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसको फिर अपलोड करना। मेडिकल रिपोर्ट के लिए समय निर्धारित किया गया है कि हादसे के कितने दिन के अंतर्गत मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए। पीड़ित को प्रगति रिपोर्ट से सूचित करने का प्रावधान किया गया है और अभियोजन कोई भी प्रकरण को न्यायालय से यदि वापस लेना चाहे तो बिना पीड़ित पक्ष को सुने हुए वो संभव नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से जिसको कहते हैं बिल्कुल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पर आधारित गए हैं। इस नए कानून में पुलिस अभियोजन, विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एवं कारागर की सेवाओं में व्यापक परिवर्तन आएगा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसको किया गया है। प्रत्येक जिला स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने का भी प्रावधान है। राज्य स्तर पर अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए भी इसमें उद्देश्य लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना प्रत्येक थाने की वेबसाइट उपलब्ध कराने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। कानून इतने सालों से, जब से आप सब सेवा में आए हैं, उससे पहले कई पीढ़ियों से जो कानून चल रहे हैं, एकदम से आज से नए कानून लागू हो रहे हैं। निश्चित रूप से शुरू में कुछ टीजिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप सभी यदि प्रयास करेंगे तो जितना सीमलेस हो सके हमें ट्रांजिशन करना है पुराने कानून से नए कानून की तरफ। काम में किसी प्रकार से रुकावट अड़चन ना आए, क्योंकि नए प्रावधान लागू हो जाते हैं। जो पहले से केस दर्ज हैं वो तो पुराने, उससे ही इन्वेस्टिगेशन चलते रहेंगे, लेकिन अब जो केसेस दर्ज होंगे वो नए कानून के हिसाब से उनका अन्वेषण होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पुलिस अधिकारियों से, सभी से, कि कितना हम डिसरप्शन के बिना, कितने कम डिसरप्शन के साथ हम लोग नए कानून की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से उसको लागू करते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आम जन का कितनी जल्दी इन नए कानूनों के प्रति और इनमें जो अच्छे जो प्रावधान हैं उनके प्रति कितनी जल्दी और कितना अच्छा विश्वास बन सकता है। बहुत लंबे चौड़े स्तर पे प्रशिक्षण किया गया है इन कानूनों के बारे में। हर स्तर पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई है। फिर भी अभी बहुत सी ट्रेनिंग होना शेष है। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ जो मिशन कर्मयोगी का आई गॉट प्लेटफॉर्म है, जिसमें ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं ट्रेनिंग के, उसमें भी यदि सभी पुलिसकर्मी अपने को रजिस्टर करा लें तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मटेरियल है। अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, मॉड्यूल्स हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी अपने फ़ोन पे, अपने टैबलेट पे, अपने कंप्यूटर पे उस कभी भी वो ट्रेनिंग नए कानूनों के बारे में ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग का फ़ायदा ये भी है कि किसी प्रावधान को नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार उसको हम रिपीट करके देख सकते हैं, जब तक वो चीज़ पक्की ना हो जाए। तो इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि नए कानून आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक तरह से इतने पुराने कानूनों को बदल के नए कानूनी व्यवस्था लागू हो रही है, तो आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ इन कानूनों का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से करेंगे, जिससे लोगों को इसका लाभ, जिस उद्देश्य से इन कानूनों को लाया गया है, वो उनको राहत अवश्य मिलेगी। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय निकाला सबको प्रेरित करने के लिए, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। पुनः आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह जी गोयटम साहब से निवेदन है कि वो अपना उद्बोधन दें।
आज बहुत गौरव का दिन है कि देश के नए कानून आज से लागू हो रहे हैं और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों और जो चार विभाग इन कानूनों के संरक्षण और लागू करने में जो आधार स्तंभ हैं, उनके सभी अधिकारियों और सीएलजी के सभी सदस्यों, आम जन के साथ बीसी से जुड़कर हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव साहब, सुधांशु पंत जी, एसीएस होम आनंद जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर जी, डीजी साहब, उत्कल रंजन साहू साहब, आलोक जी, यहाँ इस हॉल में विराजमान सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और वीसी के माध्यम से जुड़े पूरे राजस्थान भर के सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और सीएलजी के सदस्य के रूप में स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग और सभी राजस्थान के जुड़ रहे हमारे आमजन के बंधुओं, बहनों और भाइयों, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि भारत सरकार ने 50-51 साल बाद जब हमारे विचार की सरकार देश में बनी और उन्होंने आम जन की पीड़ा को समझा, उसको समझकर 150 वर्ष पुराने कानूनों में तब्दीली करके न्याय के सिद्धांत पर जिनको प्रतिपादित करने का जो निर्णय किया है, उसकी आप सबको ढेर सारी बधाई। ये बधाई इसलिए भी कि पुराने जो कानून थे हमारे 1860 के हों चाहे 1872 के हों, उनमें ब्रिटिश मानसिकता झलकती थी। उसके आधार पर बनाए गए कानून भारतीय लोगों पर जब प्रतिपादित किए जाते थे तो कई तरीके की खामियां देखने को मिली होंगी, और जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय कह रहे थे, वो दंड प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता इस नाम से उनको प्रचलित किया गया था। अब केंद्र सरकार ने उनको न्याय के सिद्धांत पर बना करके लागू करने का जो निर्णय लिया है, उसकी ढेर सारी आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। हमारी राजस्थान की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अपराध मुक्त राजस्थान कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमारी पुलिस, हमारे प्रशासन के लोग समय समय पर काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि नए कानून आज से जब लागू होंगे तो अपराध मुक्त राजस्थान बनाने में वो बहुत बड़े सहयोगी भी सिद्ध होंगे, क्योंकि पुराने प्रचलन में जब कानून बने थे उस समय की अपराध की प्रकृतियां अलग थी, अपराध करने के तरीके अलग थे। आज आधुनिक युग में साइबर क्राइम हमारे बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, अपराधियों के अपराध करने के तरीके बदले हैं, तो निश्चित रूप से आधुनिक तकनीक के आधार पर आधुनिक जो कानून बने हैं 2023 के, ये अपराध को रोकने में सहायक भी सिद्ध होंगे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में भी सहायक सिद्ध होंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा भी है और ये लागू करने के बाद आप महसूस भी करेंगे। नवीन विधियों में एक जो प्रावधान रखा है, हमारी महिलाओं को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि कई बार पीड़ित महिलाएं थाने में जाती थी और थाना अधिकारी या कोई भी व्यक्ति पुरुष होता था, तो भारतीय समाज में जैसी व्यवस्थाएं वो अपनी पीड़ा के बारे में बताने में संकोच करती थी, लेकिन इन विधियों में प्रावधान किया गया है कि महिला यदि कोई पीड़ित है तो उनकी FIR भी पीड़ित की FIR महिला अधिकारी ही करेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और एक उनकी बात आपस में सामंजस्य पूर्वक उनकी सुन भी पाएंगी और उनका समाधान भी समय पर होगा हो पाएगा। मैं आपको इसकी भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके स्वच्छंद रूप से अपनी बात आप कह पाएंगे। नई विधियों में यह प्रावधान भी किया गया है कि पुरानी विधियों में जो प्रावधान थे, अनुसंधान अधिकारी लंबी प्रक्रिया के तहत अनुसंधान करते रहते थे। मुझे कल परसों ही मथुरा गेट के निरीक्षण पर पहुंचा था, अचानक औचक निरीक्षण किया, मैंने वहां पाया कि 17 साल पुराना मुकदमा भी एक पेंडिंग पड़ा था, एक नहीं चार मुकदमे, 173-8 का दुरुपयोग भारी संख्या में देखने को मिला। कई मेरी जिलों में बात हुई
वहां भी 20-20 साल पुराने 173-8 मुकदमे पड़े, अनुसंधान में लापरवाही और डिले। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो न्याय यदि देरी से मिलता है तो ये समझिए कि न्याय देने की मंशा नहीं होती। नए प्रावधानों में ये प्रावधान किया गया है कि सही समय पर, उचित समय पर, सीमित समय में अनुसंधान हो, पीड़ित को न्याय मिले और प्रगति रिपोर्ट भी पीड़ित को बताई जाए, जो निश्चित रूप से एक अंडरलाइन करने योग्य है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा केंद्र सरकार का कि उन्होंने तुरंत न्याय देने के लिए इन तीनों विधियों में जो बदलाव किए हैं वो निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। केंद्र सरकार ने जो पीड़ित का दर्द समझा, और वो समझा इसलिए कि वो लोग जनता के प्रति जवाबदेह हैं और राजस्थान सरकार भी जनता के प्रति जवाबदेह है। हमारे जो 5 स्तंभ हैं आपराधिक न्याय प्रशासन के, पुलिस, फॉरेंसिक लेबोरेटरी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अभियोजन, न्यायालय और जेल कारागार, उनमें न्यायालय के लोग हमारे साथ नहीं है, बाकी हम 4 स्तंभ यहाँ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से तुरंत न्याय देने में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे ही अपराध की घटना घटती है तो सीधे व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है या पुलिस के पास जाता है। तो हम 4 स्तंभ इसको सामंजस्य से बैठा करके लोगों को जिस जिस पायदान पर जैसे जाता है वहां न्याय की व्यवस्था को सुनिश्चित नए प्रावधानों के तहत करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद से ही अपराधियों पर नकेल कसने का जिस तरह का प्रयास हुआ है, आज हमें आत्मसंतुष्टि होती है कि अपराध का ग्राफ, जो हीनियस ऑफेंसेस थे, संगठित अपराध थे या नकल माफिया था, उन पर अंकुश लगा है और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को तुरंत न्याय मिलना अब पिछले 6 महीनों से शुरू हुआ है। राज्य सरकार इन विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली जो भी कोई कठिनाइयां होंगी उनको तत्परता से निदान करेगी और हमेशा सहयोग में खड़ी रहेगी। मैं आप सभी का पुनः आपको बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि आप अपराध के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करने के लिए हमेशा निर्देश देते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके मार्गदर्शन एवं उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विशेष आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस ऐतिहासिक अवसर पे वो अपना उद्बोधन सभी को संबोधित करें। इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, डीजी साहब, एसीएस होम आनंद कुमार जी, एडीजी साहब, सभी एडीजी साहब, सभी अधिकारीगण, बीसी के माध्यम से जिलों से जुड़े सभी पुलिस अधिकारीगण एवं अन्य सभी सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र एवं सभी नागरिक भाई और बहनों, आज ऐसे जो कानून थे जो आज के परिदृश्य में उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं था, पुराने ऐसे थे कि जो उस समय के राज के हिसाब से बने थे, प्रजा और उनके बीच सिर्फ प्रजा के लिए था जो कानून थे। मैं अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कॉलोनियल मानसिकता के प्रतीक और
आज के समय में अनुपयोगी जो हो चुके पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर उनके स्थान पर नवीन आपराधिक विधि 2023 को संसद में पारित करवाया है। ये तीनों नए कानून राजस्थान में भी आज 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। इन कानूनों में 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। यही नहीं, 1898 में बनी और 1973 में संशोधन हुई दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है। 1872 में बने एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर इन कानूनों में भारतीयता की आत्मा को स्थापित किया गया है। यही नहीं, इन तीनों नए कानूनों से भारतीय नागरिकों, भारतीयता और भारतीय संविधान की मूल भावना को भी बल मिलेगा। जिन तीन पुराने अपराध कानूनों को निरस्त किया गया है वे करीब 150 साल पुराने अंग्रेजों के शासन के समय के थे। उनके शासन के समय के जो कानून थे उनमें आप देख सकते हैं कि वो कानून प्रजा के लिए थे, प्रजा के प्रति उनका कैसी स्थिति थी ये आप उनकी भाषा और संज्ञान से भी अनुभव कर सकते हैं। पुराने कानून में अंग्रेजों के शासन के समय के कानून थे वे ये कानून थे जिन्हें विदेशी शासक ने अपना शासन बनाए रखने के लिए बनाया था। गुलाम प्रजा पर प्रशासन के लिए, शासन के लिए करने के लिए बनाया था। वो कोई न्याय देने के लिए नहीं थे, वो सिर्फ शासन करने के लिए बनाया गया था। पुराने कानून में न्याय की कल्पना नहीं थी, इनमें केवल सजा का प्रावधान था। न्याय नहीं मिलता था क्योंकि उनको न्याय से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपनी हुकूमत करनी थी, उसके अनुसार उन्होंने वो कानून बनाए थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हमें जल्द से जल्द गुलामी की मानसिकता और गुलामी के प्रतीक चिन्हों को समाप्त कर नए आत्मविश्वास से भरे नए भारत की स्थापना करनी है। आपने देखा होगा इस तरह के गुलामी के चिन्ह भी हैं और गुलामी की मानसिकता के वो कानून भी हैं जिनको समाप्त किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनमानस की भावना के अनुरूप नए आपराधिक कानूनों के केंद्र में न्याय की अवधारणा, पीड़ित केंद्रित सोच तथा त्वरित न्याय के सिद्धांत को रखते हुए नवीन प्रावधानों को जोड़ा गया है। यही नहीं, ये प्रावधान न केवल महिलाओं एवं बच्चों के हितों की रक्षा करते हैं, अब तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के हितों तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अधिक मजबूत करते हुए आम जन के हितों को बढ़ावा देते हैं। इसमें आम जन के हित जुड़े हुए हैं क्योंकि जिस तरह का व्यवहार भी उनके साथ होता था वो भी ठीक नहीं है। नए कानून में पीड़ित को जल्द न्याय उपलब्ध कराने, अपराधी के प्रति प्रतिशोध के स्थान पर पुनर्वास की भावना को प्रधानता दी गई है क्योंकि पहले अपराधी के प्रति एक प्रतिशोध रहता था और वो प्रतिशोध का भाव इतना हो जाता था कि अपराधी सुधरने की बजाय अपराधी और ज्यादा बिगड़ने की स्थिति में रहता था। उसके स्थान पर पुनर्वास की भावना को प्रधानता दी गई है जिससे कि अपराध को बोध भी हो और वो उसमें आगे चल करके किसी अपराध के संज्ञान में नहीं आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को आत्मसात करते हुए विधि विज्ञान के द्वारा
अभियोजनों को और अधिक पुष्ट करने, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रावधानों के द्वारा पीड़ित पक्ष को विविध रूप से मजबूत बनाया गया है। यही नहीं, मानसिक विमंदितों के प्रति संवेदनशील नजरिया रखते हुए बौद्धिक विकलांगता जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। पहली बार के अपराधियों के लिए करुणा के साथ न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति पूर्व रवैया अपनाने का लक्ष्य है। पहले वो जो शब्द उपयोग करते थे वो बौद्धिक विकलांगता जैसे शब्दों का उपयोग करते थे, इसमें करुणा के साथ न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाने का लक्ष्य है। नए अपराधिक कानून में युवाओं के प्रति एक ऐसे भविष्य की कल्पना की गई जहां छोटे मोटे अपराध के लिए दंड के स्थान पर सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है, जिससे उनको एक अपराध छोड़ करके एक अवसर मिले। ये ऐसे व्यक्तियों की को प्रायश्चित के तौर पर सामुदायिक सेवा कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। वो इसलिए कि उसको लगेगा कभी कभी जिस तरह से अबोधता के कारण अपराध हो जाते हैं तो उन्हें सुधरने का मौका, उनको ठीक प्रकार से समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर भी उनको मिलेगा। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की धीमी न्याय प्रक्रिया के कारण आलोचना की जाती थी, लेकिन नवीन आपराधिक विधि में त्वरित न्याय को केंद्र में रखते हुए महत्वपूर्ण चरणों को नियत समय सीमा में बांधा गया है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि समय पर अगर न्याय नहीं मिलता है तो अपराधी के मन में अपराध बोध तो वो होता है, लेकिन उस जो न्याय पाने वाला है उसके मन में भी कई तरह की शंकाएं आने लगती हैं। अब पुलिस का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपराधी को 90 दिन होने पर उसके मुकदमे की प्रगति से अवगत कराए। इसी प्रकार प्राथमिक जांच को 14 दिन में संपन्न करने, बलात्कार संबंधी मेडिकल रिपोर्ट 7 दिवस में प्रदान करने, न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई के 60 दिन में आरोप तय करना और विचारण पूरा होने के 45 दिन में निर्णय दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं, जो मील का पत्थर साबित होंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु गंभीर अपराधों के घटना स्थल के निरीक्षण और साख जुटाने हेतु विधि वैज्ञानिकों का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। ICJS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा पुलिस अभियोजन विभाग, न्यायपालिका तथा जेल विभाग को एक साथ एक छत के नीचे लाने के प्रावधान किए गए हैं, जिससे पीड़ित को शीघ्र और सुगम न्याय मिल सके। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए बलात्कार के मामलों में विवाहित स्त्री के रूप में उम्र को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया है। इसके अतिरिक्त पॉक्सो अधिनियम के अपराध, एसिड अटैक, गैंगरेप जैसे गंभीर मामलों में अपराधियों के हथकड़ी लगाने के प्रावधान किए गए हैं। नवीन आपराधिक विधि में बोलने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन साधा गया है। सजा के डर के बगैर विचार व्यक्त करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उन गतिविधियों के विरुद्ध सजा की कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया है जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करती है। यह आवश्यक है कि जो राष्ट्र के प्रति खतरा उत्पन्न करते हैं उन प्रावधानों को होना आवश्यक है। नए कानून में अंग्रेजी हुकूमत की सोच को समाप्त करते हुए राजद्रोह के कानूनी प्रावधानों को समाप्त कर उनके स्थान पर देशद्रोह का स्थान दिया गया है, जो स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करता है। नए आपराधिक कानून में वैश्विक खतरे के रूप में आतंकवाद को रेखांकित करते हुए परिभाषित भी किया गया है। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली और संगठित रूप से चलने वाली गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल भी कसी जाएगी।
मैं राजस्थान पुलिस को कम समय में ही अपने सभी पुलिस कर्मियों को कानूनों के बारे में प्रशिक्षित करने, अनुसंधान अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिता बनाने और आमजन को सरलतम शब्दों में कानून की जानकारी देते हुए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए आप सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा आग्रह है कि सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र जैसे समाज से जुड़े अन्य समूह नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इन्हें लागू करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल के रूप में राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा करने में अपने ध्येयवाक्य सेवा कटिबद्धता पर सदैव खरा उतरेगी। मैं अंत में आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि नए कानूनों की जानकारी सभी को मिले। हमारे पुलिस थाने के सामने एक बड़ा डैशबोर्ड बना करके उनकी जानकारी भी दें, हमारी चौकियों में भी जानकारी दें, पुलिस कार्यालयों में उसकी जानकारी मिले। इस तरह का प्रावधान नए कानूनों के द्वारा ठीक प्रकार से सभी उसको समझ सकें और उनको ठीक प्रकार से किस तरह से हम लागू करते हुए उनका उपयोग करते हुए समाज के अंदर जो विश्वास पुलिस के प्रति जो होता है उसको बनाए रखते हुए पुलिस में हम पूरी तरह से जनता में पुलिस के प्रति जो विश्वास, अपराधियों में भय, उस ध्येय को लेकर के हम अपना पूरा कार्य करें। आज सभी जिला मुख्यालयों पर बीसी के माध्यम से और सभी हमारे अधिकारीगण आज से जो नए कानून लागू हुए हैं निश्चित रूप से उनका प्रचार प्रसार भी होगा। प्रचार प्रसार के साथ साथ जो राजस्थान के अंदर जिस तरह के अपराध हैं उन पर अंकुश लगाने का भी हम काम करेंगे। आज से नए प्रावधानों को लागू करते हुए आज से उनकी FIR होगी, वो भी नए कानून प्रावधानों के अनुसार होगी। आप सभी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं और आप सभी ने अपना कार्य प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं DG साहब एवं आप सभी हमारे अधिकारी और नीचे सभी हमारे पुलिस के अधिकारी आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। भारत की नई आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित न्याय की अवधारणा पीड़ित को त्वरित एवं सुगम राहत एवं नए एवं वैज्ञानिक तरीकों का समावेश को रेखांकित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष आभार। अब मैं निवेदन करूंगा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण मालनी अग्रवाल मैडम से कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय मुख्यमंत्री कार्यालय, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग, महानिदेशक पुलिस राजस्थान, महानिदेशक पुलिस जेल, SCRB, इंटेलिजेंस एवं अन्य उच्च अधिकारीगण एवं साथी अधिकारीगण, प्रोसिक्यूशन, FSL व अन्य विभागों से जुड़े अधिकारीगण, VC के माध्यम से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी, अन्य अधिकारी, CLG सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखियां, मीडिया बंधुओं व तथा अन्य समस्त उपस्थित अधिकारीगण, मैं सर्वप्रथम पूरे विभाग की ओर से श्रीमान केंद्र सरकार और आपके दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं, क्योंकि आज हम सभी सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय को बढ़ाने के उद्देश्य से इन नवीन आपराधिक कानूनों का जन सामान्य में लोक प्रवर्तन कर रहे हैं। धन्यवाद श्रीमान। ये नए कानून पीड़ित केंद्रित अवधारणा, इसका मतलब विक्टिम सेंट्रिक, और न्याय की सुगम व त्वरित पहुंच की भावना को ध्यान में रखकर सजा के स्थान पर न्याय को महत्व देते हैं, जिससे न केवल आहत व्यक्ति को राहत प्राप्त होगी अपितु छोटे आपराधिक मामलों में अपराधी को सामुदायिक सेवा जैसे नवीन प्रकार के दंड के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही
नए कानून महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हुए उनके साथ घटित अपराधों का तकनीकी पूर्ण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान कर दुर्जन व्यक्तियों को कठोर दंड दिलाने का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं श्रीमान। इन नवीन कानूनों का आम जन में समुचित प्रचार प्रसार साधारण जन भाषा में करने और पुलिस बल को इन कानूनों की सर्वांगीण जानकारी देने हेतु गहन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए भी हम सब कृत संकल्प हैं और जिसमें आई गॉड कर्म योगी भी शामिल है। यह सरकार की जन भावना है कि आज इस कार्यक्रम के साथ ही सामुदायिक पुलिसिंग के मूल स्तंभ कहे जाने वाले सीएलजी सदस्यों ग्राम रक्षकों पुलिस मित्रों सुरक्षा सखियों एवं प्रबुद्ध नागरिक गण को भी थाना स्तर पर नवीन कानूनों के बारे में जानकारी दी जाकर लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से जागरूक किया जा रहा है। महोदय, यह आपका दृढ़ समर्थन है जो हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और समर्पण और निष्ठा के साथ लोगों की सेवा करने के लिए भी प्रेरित करता है। मैं सभी सीएलजी सदस्यों ग्राम रक्षकों पुलिस मित्रों सुरक्षा सखियों अन्य प्रबुद्ध नागरिकगण मीडिया कर्मी व अन्य सभी व्यक्ति जो इस वीसी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप वापस जाकर इसका सभी जगह घर घर पर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें ताकि लोग इन कानूनों के प्रति जागरूक हों और लाभान्वित हो सके। माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय, आपके निर्देशानुसार कानूनी प्रक्रिया में जुड़े सभी स्तंभों से और अधिक तालमेल रखा जाएगा ताकि इन कानून का इम्प्लीमेंटेशन भली भांति हो सके। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा आपने अपने उद्बोधन में कहा कि नए कानून भारतीय जनमानस के हितों व राष्ट्रीय एकता अखंडता व आम जन की रक्षा करने की मंशा से बनाए गए हैं, पुलिस विभाग आपको विश्वास दिलाना चाहेगा कि हम आपके सद्भावना पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे और साथ ही जो हमारा मोटो है सेवा कटिबद्धता तथा आम जन में विश्वास व अपराधियों में भय उसके ध्येय के साथ ही हम ये कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय आपने हमको दिया, इसके लिए मैं राजस्थान पुलिस की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और इसके साथ ही यहाँ उपस्थित गृह राज्य मंत्री बेडम साहब तथा सभी वरिष्ठ अधिकारियों व मीडिया का भी आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।